मैं अपने मिशन के अंदर 2 मास के अंदर अंदर जनता के बीच दिखूंगा और जनमानस के साथ हुए भेदभाव को मिटा करके हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने 10% जनसंख्या वाले एक समाज ने लगभग 50 से 55% तक अपने लोगों को भाई भतीजावाद जातिवाद के माध्यम से सारे सरकारी सिस्टम के अंदर उनको जगह दी और 90% लोग 45-40% तक सीमित कर दिए गए। भाषण 36 बरादरी के सुनते रहे और काम लोग अपने अपनों का करते रहे। भेदभाव जिस प्रकार का तांडव प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का लेकर मुख्यमंत्री के पद को लेकर के आरक्षण के नाम का हुआ, वो आरक्षण का मामला नहीं है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही समाज के लोगों को चाहिए, इसलिए ताकि वो अपने लोगों को और इससे भी आगे बढ़ा सकें और बाकी के जो लोग हैं वो उनके गुलाम बन के रहें। ये लेनिन की थ्योरी थी कि लोगों को उतना कमज़ोर कर दो कि हमेशा उनके पैरों की तरफ देखते रहें। इस व्यवस्था को देश में आज़ाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी देखी, ओम प्रकाश चौटाला देखा, भजन लाल देखा, बंसीलाल देखा, देवी लाल देखा। इन 5 मुख्यमंत्रियों के राजकाज में हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना भेदभाव हो चुका है कि आज लोग इस कदर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भविष्य में 70 साल के बीच में 55 साल कांग्रेस ने राज किया और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों का काम किया और नाम 36 बरादरी का देते रहे। आपने मिशन की कामयाबी की बात तो आप कर रहे हैं, दुबल धन की घटना को देखें तो इसको कैसे लगता है? देखिए, जिस प्रकार से दुबल धन में हमारा 27 तारीख का प्रोग्राम था, लेकिन दबाव देकर के प्रशासन को उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा और आज भी पोस्टपोन हुए प्रोग्राम को परशुराम जयंती के उस प्रोग्राम को आज भी लोग वहाँ पर चौकियाँ लगा करके बैठे हुए हैं और ये ट्राई में है कि वे हम यहाँ पर ये प्रोग्राम परशुराम जयंती का होने नहीं देंगे। राजकुमार सैनी को क्यों बुलाया जा रहा है? ना मैं चोर, ना मैं आतंकवादी, ना मैं ब्लैकलिस्टेड, एक सम्मानित सदन का सदस्य हूँ। कोई किसी को बुलाए, अगर भेदभाव लोग आरोप राजकुमार पे लगाएं और भेदभाव खुद करें और जनता में ये साबित करने की कोशिश करें कि हम जो फैसला लें वो फाइनल, बाकी के लोग किसी के गुलाम, तो देश तो 70 साल पहले आज़ाद हो चुका है।